हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 टॉपिक इंटीग्रेशन, क्लास 12 का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। सोचो इसमें क्या करोगे, नीचे आपको 1 प्लस cos x है, ऊपर cos x है, तो ऐसा कोई टर्म हो जाए कि ऊपर भी cos x है, दो टर्म कट जाएगा आपको। इसको पहले सबसे पहले लिखो, लेट i इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 प्लस cos x इनटू क्या हो गया, dx हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस cos x, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x इनटू dx हो गया। ओके बच्चों, अब 1 प्लस cos x को 1 प्लस cos x डिवाइड कर दो, तो इसको आप लिखोगे 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x देन 1 अपॉन 1 प्लस cos x इनटू dx हो गया। समझे आप लोग? अब क्या करोगे, ये टर्म कट जाएगा, यहां पे dx कर दो दोनों में अलग अलग, ये टर्म कट जाएगा, तो आपका हो गया 1 इनटू dx। अब आप जानते हो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos x होता है, देख लो मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 प्लस cos x आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। क्या होता है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता, पढ़ चुके हो, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 होता है। यहां पे आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू dx। ओके, आप जानते हो cos ऊपर आके क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 1 इंटू dx माइनस 2 ऊपर जाके sec हो गया, ये cos ऊपर जाके sec हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे आप लिख लोगे 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू dx हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस 1 sec स्क्वायर x अपॉन 2 का क्या होता है, tan x अपॉन 2, इसको लिखेंगे tan x अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया x, 2 ऊपर आ गया, 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 tan x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट हो गया। इसको क्या लिखोगे, x, 2 से 2 कट गया, माइनस tan x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या है, साइन रेज़ टू द पावर 4, इसका आपको निकालना है इंटीग्रेशन। बहुत इजी है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, आई इक्वल्स टू साइन पे पावर 4x इन टू dx हो गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला उस टर्म में क्या हो जाएगा, अगर यहां मैं आपको लिख दूं 1 माइनस cos x, तो इसका होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब अब देखो यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले लेकिन यहां पे होता क्या है, यहां पे स्क्वायर होता है, अगर इसको अगर ऐसे लिख लो कि 1 माइनस cos x अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, सेम है, 2 को हमने नीचे ले आए, लेकिन यहां पे होता क्या है, स्क्वायर होता है, तो आप अगर इसको स्क्वायर बना सकते हो तो इस फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा, बनाते हैं इसको स्क्वायर, तो इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इन टू dx। अब देखो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है उसका डबल यहां पे होता है, यहां पे हाफ है तो यहां पे x हो गया, यहां साइन स्क्वायर x है तो यहां क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू क्या हो गया, dx हो गया। अब ये 2 जो आप है 2 को बाहर ले जाओगे, लेकिन 2 2 4 इसका होल स्क्वायर है,
तो यहां पे हो गया आपका 1/4। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे होगा, इसको आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इनटू क्या हो गया dx हो गया। अब देखो बच्चों 1/4 को 1/4 लिख लो, ठीक है। अब यहां पे फिर cos 2x का फॉर्मूला पुट हो सकता है, पहले इसको लिख लो। अब नहीं ये देखो यहां पे, अब यहां सिंपल अच्छे से यहां आपको cos स्क्वायर x है, फिर से क्या वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं वो वाला फॉर्मूला, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं। देखो अगर इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा वहां पे cos स्क्वायर, तो यहां x अपॉन 2 था तो यहां क्या हो गया उसका डबल, यहां आपको 2x है तो यहां इसमें क्या हो जाएगा उसका डबल 4x हो जाएगा। तो पहले लिख लो उसको इंटीग्रेशन, इसको कर्ली ब्रैकेट में करो, पूरा dx है ये 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो इस वाले फॉर्मूला पुट कर रहा हूं मैं 1 प्लस cos x अपॉन 2, तो क्या लिखोगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो गया ना बच्चों, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। फिर इसको लिख दोगे, क्या लिख दोगे माइनस 2 cos 2x इनटू dx। अब सबको अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इससे अब मल्टीप्लाई कर दो 1/4 को इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते इजीली। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां देखिए यहां हमने क्या किया 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, फिर इसमें भी वही काम करोगे आप 4 टू 8 यहां करोगे प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x इंटू dx, फिर यहां पे 1/4 इंटू 2 cos 2x इंटू dx, हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो 1 का आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, यहां पे लिखोगे आप 1/4 x, इसका लिख दिया। इसका देखो अब इस दोनों का अलग अलग, इसका इसका अलग अलग दोनों का हो जाएगा, तो पहले इसका मैं कर रहा हूं 1/8, फिर 1 का हो गया x, फिर इसको इससे कर रहे हो तो प्लस, देखो cos 4x का आपको पता है sin 4x अपॉन 4 और एक उससे मल्टीप्लाई भी हो गया ये। अब इसका देखो 2 को बाहर ले आओ, 1/4 इंटू 2 cos का क्या होता है sin 2x अपॉन 2 नीचे ले आओ, अब जो टर्म बचा उसको लिख दो प्लस कांस्टेंट, तो क्या बचा x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 32, तो 1/32 इसको लिख सकते हो माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, इस दोनों का एलसीएम आप ले सकते हो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 2x प्लस x तो 3x हो गया प्लस 1/32 sin 4x हो गया माइनस 1/4 sin 2x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह का है, अच्छे से चैप्टर को प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगे बच्चों ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, cos 4 2x ये भी सेम है, cos x का भी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है cos 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसको भी वही करोगे आप cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू dx, इसका फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था मैंने, आपको याद होगा क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, तो लिखोगे 1 प्लस cos 2 मतलब यहां पे 4x
अपॉन टू का होल स्क्वायर एन टू डी एक्स, फिर सेम इसको फोर इस टू टू द फोर को बाहर ले आओ, वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एन टू, यहां क्या हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कॉस फोर एक्स है, तो कॉस फोर एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस एट एक्स अपॉन टू, ठीक है ना। कॉस फोर एक्स सेम इस तरह कर दो, आपको यहां था डबल, यहां टू था, तो यहां फोर, यहां फोर है तो आप एट हो जाएगा नेक्स्ट बार में। इसको लिखोगे वन अपॉन फोर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा अच्छे से। इसका क्या हो गया, मैंने क्या बोला, वन प्लस कॉस एट एक्स अपॉन टू प्लस टू कॉस फोर एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा लिख दिया। अब वन अपॉन फोर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो वन अपॉन फोर को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, वन अपॉन फोर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, वन अपॉन फोर कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, तो हमने लिखा यहां पे वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, फिर प्लस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ये टू टर्म बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो वन अपॉन एट वन प्लस कॉस एट एक्स प्लस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन टू कॉस फोर एक्स इन टू डी एक्स, इसको हमने लिख दिया। अब इंटीग्रेट करो, वन का क्या होता है एक्स, एक्स अपॉन फोर प्लस इसको से मल्टीप्लाई करोगे वन अपॉन एट इन टू एक्स प्लस वन अपॉन एट कॉस का क्या साइन एट एक्स अपॉन एट प्लस वन अपॉन फोर, तो टू बाहर आ जाएगा, कॉस का क्या साइन फोर एक्स फोर कॉन्स्टेंट अब नीचे आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, अब सॉल्व कर लो इसको, ये फिर आपका हो गया थ्री एक्स अपॉन एट, एट एट सिक्सटी फोर, वन अपॉन सिक्सटी फोर साइन एट एक्स, ये हो गया आपको टू, वन अपॉन एट साइन फोर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, पहले वही जो करते हो, क्या करते हो, लेट आई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब आप साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का, आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स का होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां पर लिखो कि साइन स्क्वायर एक्स के बदले में वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब वन यहां पे है तो क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, वन का स्क्वायर वन होता है, आप जानते हो वन का स्क्वायर वन होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, अब ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सब पता आपको होगा, ठीक है। तो लिखोगे यहां पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन वन प्लस कॉस, वन प्लस कॉस वन प्लस कॉस कट गया, तो क्या बचा वन माइनस कॉस एक्स बच गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे काम काट के क्या हो गया वन माइनस कॉस एक्स बच गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, अब सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सारे में डिफरेंशिएट में साइन लगाओ डी एक्स डी एक्स डी एक्स, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, तो कैसे करोगे इंटीग्रेट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट
वन इंटू डी एक्स माइनस कॉस इंटू डी एक्स, वन का क्या होता है, वन का होता है एक्स, कॉस का होता है साइन एक्स, प्लस सी। यहां पे आंसर हो गया एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस x माइनस कॉस अल्फा इंटू x, ठीक है। आप पढ़े हो कॉस 2x का फॉर्मूला, एक ये पढ़े हो आप 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो पहले इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे आई इक्वल्स टू, अब देखो कॉस 2x के बदले हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, उसका फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं उसका फॉर्मूला, हमने वहां लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस यहां भी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स हो गया। इसको सॉल्व कर दो, इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स होगा, प्लस माइनस एटम दोनों कट जाएगा। तो क्या होगा यहां पे, यहां पे आप 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा हुआ। अब ऊपर से 2 का कॉमन ले लो, तो 2 जो है ऊपर से कॉमन हो गया, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, हमने इसमें से क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां क्या हो गया कॉस x माइनस कॉस अल्फा, तो यहां हमने लिख लिया कॉस x माइनस कॉस अल्फा, यहां 2 हो गया। अब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब आपको टर्म जो ये कट जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कट गया, सब में आपने डीएक्स लगा दो डीएक्स डीएक्स डीएक्स, क्या बच गया कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डीएक्स हो गया। तो कॉस एक्स का क्या होता है आपको पता है, क्या होता है कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, और कॉस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा, लेकिन अल्फा कॉन्स्टेंट है तो टर्म आ गया जाएगा, यहां लिखोगे अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स, ठीक है। तो क्या करोगे इसको पहले लिखोगे लेट आई इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ऊपर वाले कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ऊपर लिख दो, क्या लिखोगे इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वन को क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हो ना कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, आप भी पढ़ चुके 10th क्लास में। अब साइन टू एक्स का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन होती है, सेकेंड साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स होता है, जिसका क्या हो गया साइन डी एक्स, टू एक्स का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये किसी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला क्या हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो क्या करोगे cos x प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखो क्या करोगे, अगर हम cos x प्लस साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं, अगर हम cos x प्लस साइन एक्स को t मान लेते हैं तो कुछ होगा। देखो यहां पे लिखोगे पुट cos x प्लस साइन एक्स को t से क्या फायदा हो रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होता है cos x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू dx इक्वल्स टू dt होगा। ये हमने कर लिया। अब इसको, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इसको i माने थे यहां से कर रहे हैं, तो i इक्वल्स टू cos x माइनस cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यहां पे कि माइनस साइन x प्लस cos x इंटू dx को dt बोला गया है, तो यही टर्म पूरा है ऊपर वाला टर्म, तो इसको क्या dt बोल सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा किए थे आप, आपको याद होगा। अब देखो cos x प्लस साइन x को क्या हमने माना था, कहां गया ये cos x प्लस साइन x, हाँ इसको हमने t माना था, तो यहां पे क्या लिख दोगे t लिख दोगे, तो यहां पे हमने लिख दिया t, t स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है ना। इसको लिख दोगे क्या t स्क्वायर। अब क्या करोगे इसका, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, आपको पता है t पे पावर माइनस टू इंटू डी टी, तो सॉल्व करो t पे पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, तो क्या हो गया t पे पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, तो माइनस आगे आ गया माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। अब हमने t को क्या माना, वन अपॉन t को हमने क्या माना था cos x प्लस साइन x, तो यहां पे लिखा cos x प्लस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट, इसको हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो tan क्यूब 2x और sec 2x into dx, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या tan क्यूब x को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर 2x into tan x, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x into tan 2x into sec 2x इंटू डीएक्स। कुछ नहीं किया हमने, क्यूब को हमने स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, टेन स्क्वायर एक्स में क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, तो इसको आप लिखोगे क्या सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इंटू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू डीएक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे यहां पे, अब सिंपली आप इसको sec x को 2 sec 2x को कुछ मान लो t मान लो, तो sec 2x को हमने t मान लिया, देखो sec 2x equals to t मान लिया, तो sec x का आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, sec x का होता है sec x into tan x, यहां पर लिखोगे sec x into tan x equals to dt upon dx हो गया, और 2 जो है वो टर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हाँ ये हो गया आपको 2 sec x इंटू टेन टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो उसमें, करो यहां पे हमने ये माना था, तो i इक्वल टू क्या हो गया sec स्क्वायर x माइनस वन, sec स्क्वायर को हमने t माना, यहां लिख लोगे t स्क्वायर माइनस वन, इसको लिखो आप पहले, इसका लिखोगे t स्क्वायर माइनस वन, और यहां देखो sec x इंटू टेन x इंटू डीएक्स,
तो आप लिख सकते हो डीटी अपॉन टू, तो हमने यहाँ पे डीटी अपॉन टू लिखा, या इस तरह का सिस्टम आप कर चुके हो लास्ट एक्सरसाइज में, डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आपको आता है, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, टू को बाहर ले आओ, तो आई इक्वल्स टू वन अपॉन टू टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी, क्या लिखोगे, माइनस वन अपॉन टू टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी, प्लस कॉन्स्टेंट हो गया, फिर माइनस वन अपॉन टू टी हमने किसको माना था, से टू एक्स को, क्या लिखोगे, सेक क्यूब टू एक्स अपॉन थ्री माइनस सेक टू एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब कर रहे क्वेश्चन हम लोग 16। क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखिए इसमें है टेन पे पावर फोर इंटू डी एक्स, 16 में आपको क्या दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू टेन पे पावर फोर इंटू डी एक्स, आप क्या करोगे, टेन पे पावर को आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, तो इसको हमने लिख लिया टेन स्क्वायर एक्स की डी एक्स, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्स है, हाँ टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू हमने डीएक्स लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एक टेन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होती है, तो हमने यहां पे कर दिया टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डीएक्स, हमने इसको कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करोगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। अब आप इस टेन एक्स को कुछ मान लो, ठीक है ना, तो टेन एक्स को हमने क्या माना, टेन एक्स को हम टी मान लेते हैं, ठीक है, तो हमने टेन एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। अब देखते हैं क्या होता है, तो हमने टेन एक्स को टी माना, तो टेन एक्स को टी मानने से क्या होगा, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी क्या इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू टी स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू डी टी हो गई, फिर माइनस, अब इसका क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स का आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स होता है। अब सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है क्या होता है, टेन एक्स होता है। अब इसको यहां पर अच्छे से लिख लो, देखो I इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स होगा। अब देखो इसका आपको इंटीग्रेशन पता है, इसका क्या होता है, टी क्यूब प्लस थ्री, ये हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, और टेन एक्स वन का क्या होता है, वन का आपको एक्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस सी। अब टेन की वैल्यू कितनी माने थे हमने, टेन को हमने माना था को टेन एक्स माना था, तो टेन वन अपॉन थ्री टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहां पे हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, वन अपॉन थ्री टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 टू 16 हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे किया जाएगा।